अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपने बेटे के हेयर जो है वो डाई करने जा रही हूँ। उसको बहुत शौक है, वो चाहता है कि बस उसके जल्दी से बाल डाई कर लें। वो उसका वेट नहीं कर रहा है कि सब कुछ खुल जाए, और वो चाहता है कि जल्दी से उसके बाल डाई हो जाए। तो चले, मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग देखिए मैं अपने बेटे के बाल कैसे डाई कर रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को कलर दिखा रही थी कि आप लोग कलर देख लीजिए कि इसको पहले मैं ब्लीच करूँगी और उसके बाद मैं डाई लगाऊंगी, क्योंकि इनका फहद के बालों का कलर जो है वो बिल्कुल नेचुरल कलर है और इन्होंने अभी तक कोई कलर यूज़ नहीं किया है। बस इनको आजकल शौक चढ़ा हुआ है कि इनको ग्रे हेयर चाहिए, जो इसकी शर्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, तो वही कलर इनको अपने बालों का चाहिए था। लेकिन इसीलिए पहले मैं इनके बालों को ब्लीच करने लगी की तैयारी कर रही हूँ। ये आपको दिखा रही थी कि ये ब्लीच है और मैंने ग्लव्स वगैरह पहन लिए हैं, और अब मैं इसके बालों को पे एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद को नहीं पता कि ये कलर आएगा भी और नहीं आएगा। लेकिन बस खाली मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर वो ज़िद कर रहे हैं बाहर जाके तो भी करवा नहीं सकते। इसी रीज़न से मैंने सोचा चलो मैं कर देती हूँ बालों इसके बाल डाई। जैसे आपको बताती हूँ कि फहद घर के अंदर आए हैं जब से, तो फहद अपने कामों में बिज़ी करके रखते हैं, सारा दिन हो जाता है मुझको बस यही करते हुए। कभी फहद को खाना देना है, कभी फहद को जूस चाहिए, कभी फहद को आइसक्रीम चाहिए, कभी मतलब मैं आपको जैसे कि बताती हूँ हमेशा कि फहद मेरे बेबी हैं, तो स्टिल फहद मेरे बेबी हैं। और जब फहद न्यूयॉर्क में थे तो उस वक्त तो मुझे लगता था मेरे पास कोई काम ही नहीं है करने को, और अब तो इनको हर 5 मिनट के बाद कोई काम याद आ जाता है। मतलब बिल्कुल आके वो बच्चों की तरह ही ज़िद कर रहे होते हैं, क्योंकि फहद मेरे छोटे बेटे हैं। तो इसीलिए आपको लोग जानते होंगे जिनके बच्चे होंगे, तो कि छोटा बच्चे बड़ा भी हो जाता है तो वो छोटा ही रहता है एक्चुअली। तो इसलिए फहद भी अपने नखरे उठवाते हैं खुद, खूब अपने मज़े से मतलब इनकी सारी बात मनवा लेते हैं जो भी चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि इनको मैं यहाँ पर रह रही थी, ये न्यूयॉर्क में रह रहे थे, तो न्यूयॉर्क में रह रहे थे वहीं पर ही स्कूल में पढ़ रहे थे। अब तो सबके स्कूल ऑनलाइन कर दिए हैं, तो उससे एक फ़ायदा हो गया कि आप जहाँ पर भी होंगे, जिस भी कंट्री में भी होंगे, मतलब वहाँ से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो भी जिस स्टेट में भी है आपको तो सिर्फ ऑनलाइन जाके ही पढ़ना है। तो उससे ये है कि फिर आप इसीलिए फहद यहाँ पर आ गए कि ये वाला सेमेस्टर ये ऑनलाइन करेंगे सारा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इनके बालों पर ब्लीच लगा रही थी, और सारे के कहीं से कोई बाल रह नहीं जाए, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बस फहद की ज़िद की वजह से कर रही थी। और मैंने पहले ही इनको बोल दिया था कि ये अगर नहीं होगा तो इट्स नॉट माय फॉल्ट, तो फिर भी इसके बाद ये करवाना चाहते, तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं कर देती हूँ। और अपने बाल भी हमेशा खुद डाई करती हूँ, आप लोगों ने को दिखाया था, मेरा पहले व्लॉग देखा होगा आप लोगों ने, तो मैंने उसमें दिखाया था कि मैं अपने बाल जैसे भी चाहती हूँ जो कलर लेकर आ जाती हूँ। तो बस मैं इनके बाल में सारा ब्लीच जो था मैं एक साथ ही लगाना चाहती थी कि सारा ब्लीच लगा देती हूँ, और हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर रही थी ताकि अंदर के बाल भी हो जाए और कोई बाल रह नहीं जाए कहीं से। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं साथ में कॉम भी फेरती जा रही हूँ, और साथ में मतलब यानी कि कलर भी लगाती जा रही हूँ। काफ़ी अच्छे से कलर अंदर तक चला गया था इनके बालों में, क्योंकि सॉरी ब्लीच लगा रही हूँ। ब्लीच से कलर को कट होने में टाइम लगता है, जो इनके बालों का कलर है लाइक जेट ब्लैक नहीं है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन जैसे टाइप का कलर है फहद के बालों का ऑलरेडी, तो वो कलर कट के बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा। तो ताकि गोल्डन कलर के ऊपर फिर आप जो भी कलर चाहते हैं फिर वो कलर आ जाता है, इसीलिए पहले ब्लीच लगाना ज़रूरी था। सारे बालों में ये ब्लीच लगा दिया था मैंने, और ये आप लोग देख सकते हैं कि सब बालों में अच्छी तरीके से ब्लीच लगाने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से कवर कर दूँगी। और कवर करने के बाद थोड़ा सा ब्लीच बच गया था, मैंने सोचा ये भी लगा देती हूँ साथ में, ताकि कोई भी अंदर से बाल ब्लैक नहीं रह जाए और अच्छे तरीके से अंदर तक बालों में चला जाए इसके ये सारा ब्लीच। आप लोग देख सकते हैं मैंने होल बोतल इनके बालों में ख़त्म कर दी थी सारी, बिल्कुल सब जगह से कवर कर दिया था बहुत अच्छी तरीके से। और होपफुली कोशिश कर रही थी कि अच्छे से हो जाए, ताकि पता है कि फहद कहीं मुझे ब्लेम नहीं करे कि सही से नहीं करा। मैं आपको लोगों को पहले भी बता रही हूँ मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, और फहद को मैंने कहा था कि वेट कर लें बाहर से सैलून से करा लेना, लेकिन फहद साहब को तो सुनने का था ही नहीं, उनको तो बस करना था तो करना था, ये तो न्यूयॉर्क में ही करना चाह रहे थे। मैंने बहुत इनको रोक के रखा था वहाँ पर कि जब यहाँ पर आ जाओगे तो मैं आपके बालों में डायरेक्ट लगा दूँगी,
वरना वो खुद करना चाहते थे। आप लोग जानते होंगे कि अपने बालों में खुद से डाई और बच्चों से, मतलब यानी कि खुद से कैसे होती, बिल्कुल सही से हो नहीं सकती थी। तो इसलिए मैंने इनको वहाँ पर भी रोक कर रखा था कि आप नहीं करना, जब यहाँ पर आप आओगे तो मैं कर दूंगी, इसीलिए मैंने इसके कर रही थी, वरना मैं नहीं करती। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्लास्टिक बैग लगा दिया था सर पर इनके। और जैसे कि क्वारंटाइन चल रही है, सब कुछ बंद पड़ा है, मैंने कहा मैं क्या करूं। मैं आप लोगों से बोल रही थी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सारा काम मेरे लिए बहुत बढ़ गया था। ये आप लोग देख सकते हैं, अपना सर वॉश करके आ गए थे, और ये आप लोग देख सकते हैं कि जस्टिन बीबर जैसे बाल लग रहे हैं। फहद भी अभी जस्टिन बीबर दिख रहे हैं। फहद का इस वक्त बहुत फनी लुक आ रहा था, और मैं अपने आप पर बहुत कंट्रोल कर रही थी कि ताकि फहद सोचेगा कि मम्मी मजाक उड़ा रही हैं। और आप लोग देख सकते, मैं अभी देख रही थी बालों, इनके बालों में अच्छी तरीके से ब्लीच को और लगाने की कोशिश कर रही थी, कि मुझे दिख रहे थे कि इनके सामने के बाल थोड़े से बचे हैं जो डार्क दिख रहे हैं, मतलब यानी कि काले दिख रहे हैं। तो उसको भी मैं ब्लीच लगाकर अच्छी तरीके से, जो बचा हुआ ब्लीच था इनके सर पर लगाकर, मैं चाहती थी कि सारे बाल इनके सही से हो जाएं। ये आप लोग देख सकते हैं, फहद वॉश कर कर आ गए थे, और ये फहद के बाल किस तरीके से दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल फहद इस वक्त कैसे दिख रहे हैं, लाइक फनी लुक आ रहा है इस टाइम, लेकिन अच्छे लग रहा है, क्यूट लग रहा है। तो अभी मैं इनके जो एक्चुअल डाई है वो लगाने लगी हूँ, जो फहद चाहते थे कि मतलब यानी कि ये कलर ग्रे कलर, तो यही लगाने की कोशिश कर रही हूँ। होपफुली मैं दुआ कर रही थी कि सही से कलर आ जाए, लेकिन मुझे खुद को आइडिया था कि बाल जो गोल्डन हुए हैं, तो इसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता था कि ग्रे कलर आएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये डाई लगा रही हूँ, और ये काफ़ी यानी कि स्ट्रोंग डाई थी, और आँखों में भी लग रही थी और सारी नाक में भी जा रही थी, तो इसकी स्मेल बहुत स्ट्रोंग थी मतलब। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं फात के सर पे कंटिन्यू लगाती जा रही थी, डाई भी लगा रही थी, साथ में इसके कॉम्ब भी फेरती जा रही थी, और मैं अपने आप को इस वक्त बिल्कुल प्रोफेशनल समझ रही थी कि मैं कोई मतलब जो कोई सैलून वाली हूँ, और सही से बिल्कुल बाल जैसे भी मैं कर दूंगी इसके, मुझे ऐसा लग रहा था देखकर। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, अगर ये फहद के बाल अच्छे हो जाएंगे मैं तो सैलून ही खोल कर बैठ जाऊंगी। मैंने सोचा मैं सैलून ही खोल के बैठ जाऊंगी, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा रहा नहीं। लेकिन अपने बाल तो मैं खुद बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, और जैसा कलर चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कलर मैं अपने बालों में लगा लेती हूँ, क्योंकि खुद के बाल हैं तो कोई वरी नहीं होती, किसी और के हो तो फिर थोड़ा सा वरी होता है कि कहीं ख़राब नहीं हो जाए, लेकिन अगर खुद के बाल हैं तो इस पर तो अब बंदा एक्सपेरिमेंट कर ही सकता है ना। मैं अपने बालों पर तो कर लेती हूँ, और मेरे बालों का कलर मुझे अच्छा भी लगता है, खुद को इस वक्त भी मुझे अपने कलर अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी फहद के बाल जब मैं कर रही थी, उस वक्त मैं सोच रही थी कि मैं अपने बालों का कलर भी चेंज करूँगी। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सारा कलर एक्चुअली कलर का मतलब ये है कि सारा अंदर तक चला जाए, कोई भी बाल रह नहीं जाए, क्योंकि पता नहीं चलता अंदर के बाल कुछ ड्राई रह जाते हैं और कुछ मतलब कलर लगता नहीं है, कहीं पर कम लगता है। तो जितना भी है आप मतलब, अगर एक बोतल है तो एक बोतल फहद के लिए जैसे इनफ थी, अगर मेरे बालों के साथ मुझे 2 बोतल चाहिए, तो इसीलिए। लेकिन ये फहद के बालों में मैं चाह रही थी कि सारे बाल हो जाएं और कहीं से कोई गोल्डन बाल बाकी नहीं बचे अच्छी तरीके से, मतलब मैंने जो बचा हुआ था वो ज़्यादा करके ही लगा दिया था कि इसके बाल बहुत अच्छी तरीके से हो जाए फहद के। और फहद बहुत आराम से लगवा रहे थे, बल्कि इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आज इनके बालों में मसाज भी होता जा रहा था साथ साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल सही से मैंने कर दिया, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह कर रही थी मैं, और अच्छे से लगाती जा रही थी। आप लोगों ने अगर कभी करा हो अपने घर में किसी के कलर, तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने भी करा था और अच्छा हुआ था, और अगर मैं इसके अंदर कोई गलती कर रही हूँ तो आप लोग मुझे वो भी करेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ और इस तरह से नहीं होता, दूसरे तरीके से होता है तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं। इधर तो मैं इसके लगा चुकी थी, और मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ इसके ऊपर। फहद को मैं बोल रही थी कि कैप पहनना है, तो आई गेस फहद ने कहा कि हाँ ठीक है, उसके ऊपर कैप पहन कर आते हैं अभी। और आप लोग देखिए सारा बिल्कुल कहीं पर भी मतलब यानी कि नहीं दिख रहा, जो इनकी गर्दन पर और कानों के पास कलर लगा हुआ था उसको मैं हटाने की कोशिश कर रही थी, और अब मैं आपको दिखा रही थी कि ये फहद के बालों का कलर, ये आप लोग देख सकते हैं सारा अंदर तक चला गया है बिल्कुल सही से, ये आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इनका कलर हो गया है, ये मेरे बेटे का देख सकते हैं, ये बालों में कितना अच्छा कलर हुआ है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है पार्थ? हाँ। फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। या माय मॉम चैनल से। माय मॉम चैनल। या सो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि मैंने आज अपने बेटे का कलर करा है बालों में, तो कितना मैं इंशाल्लाह अपना भी करूँगी वो भी आपको दिखाऊंगी। और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप कुछ इसके बारे में बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट्स में बात कर सकते हैं और मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। बहुत अच्छा खूबसूरत कलर हुआ है, फिर भी एक्चुअली जो मेरे बेटे चाहते थे वो कलर नहीं हुआ है। एक्चुअली उनको ग्रे कलर चाहिए था, बट ये कलर भी बुरा नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने भी यही करूँगी, आप लोग देखिएगा, होपफुली मेरे बालों में आ जाए, क्योंकि मेरे बालों में ऑलरेडी कलर हुआ हुआ है, तो हो सकता है ये कलर नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब हो, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। यस, तो आप लोग देखिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, थम्स अप दीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ प्लीज़। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।